आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप रीयूज कर सकते हैं अपनी पुरानी जीन्स को और उनसे बना सकते हैं टोटली नए आउटफिट्स। आपके घर में जो भी ऐसी जीन्स पड़ी हैं, चाहे वो किसी की भी हो, किसी भी साइज की हो, बच्चों की हो, बड़ों की हो, मेल की हो, फीमेल की हो, किसी की भी जीन्स हो, वो आप रीयूज कर सकते हैं और ये सारे स्टाइल्स आप उनमें से क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं रुपिंदर और ये है इंप्रेशंस इंडिया का सबसे पहला हिंदी में फैशन और स्टाइलिंग चैनल। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं सारी जीन्स हैं जो हमने यूज किए हैं इस वीडियो में ये ट्यूटोरियल बनाने के लिए। ये मेल फीमेल दोनों की जीन्स हैं, तो कोई इस चीज में कोई रुकावट नहीं है कि आपको किस जेंडर की जीन्स है, किस साइज की जीन्स है। बच्चों की भी हो सकती है, बड़ों की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। तो सबसे पहले है शॉर्ट स्कर्ट बनाना। ये बनानी बहुत इजी है। इसमें बेसिकली आपको आपकी जो जीन्स है उसके अंदर की सिलाई को उधेड़ना है, दोनों टांगों की जो अंदर की सिलाई होती है उसे उधेड़ना है आपको, बाहर वाली सिलाइयों को मत उधेड़िएगा। सिलाई उधेड़ने के बाद आप कमर से जितनी भी लेंथ रखना चाहते हैं आपकी शॉर्ट स्कर्ट की, लेंथ आप नाप कर मार्क कर लीजिए और वहां से लेग्स को काट दीजिए। जितनी भी आपको लेंथ चाहिए आपके हिसाब से, बच्चों की है तो बच्चों के हिसाब से आप लेंथ रख सकते हैं, खुद के लिए बना रहे हैं तो उसके हिसाब से रख सकते हैं। तो लेंथ मार्क करके आप उसे काट लीजिए। उसके बाद फ्रंट की जो दोनों टांगे हैं उसके जो बीच की सिलाई है उसको आपस में सिल दीजिए, बैक की दोनों टांगों को एक साथ सिल दीजिए, तो आपकी स्कर्ट रेडी हो जाएगी। आप चाहें तो स्कर्ट के नीचे कोई और फैब्रिक का, प्रिंटेड फैब्रिक, प्लेन फैब्रिक का बॉर्डर भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो नहीं लगा सकते। हमने जो ये स्कर्ट बनाई है उसमें ये बॉर्डर यूज किया है। बेल्ट हमने एज इट इज रखी है, इसकी सब चीजें एज इट इज है, सिर्फ हमने काट के बॉर्डर लगाया है, बाकी हमने कुछ चेंज नहीं किया इसमें। नेक्स्ट है गॉर्डेट स्कर्ट। गॉर्डेट्स के बारे में हमने हमारी ऑल्ट्रेशन वाली वीडियो में बात की थी कि बेसिकली गॉर्डेट्स होते क्या है। आप में से जिन किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है, आपके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, वहां जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं फिर से आपको बता देती हूँ गॉर्डेट बेसिकली क्या होता है। गॉर्डेट एक ट्राइंगुलर पीस होता है कपड़े का, जिसे आप अपनी स्कर्ट्स, कुर्ता, टॉप्स, ऑलमोस्ट हर चीज में इंसर्ट कर सकते हैं फ्लेयर बढ़ाने के लिए। ज्यादा फ्लेयर आ जाता है उससे, या फिर कुछ डेकोरेटिव पर्पज के लिए कि आपके डिजाइन का एलिमेंट ही था गॉर्डेट इसलिए आपने इंसर्ट किया है, या आपको किसी चीज में फ्लेयर ज्यादा इंसर्ट करना था तो उस केस में भी गॉर्डेट का यूज किया जाता है। गॉर्डेट स्कर्ट अब बेसिकली किसके लिए है? आप में से जो भी लोग बॉडी हगिंग स्कर्ट्स पहनना नहीं पसंद करते, शॉर्ट स्कर्ट्स पहनना नहीं पसंद करते, या आपके डेनिम्स की जो फिट है वो थाइस पे आपको टाइट हो चुका है और अगर आप उसको शॉर्ट स्कर्ट बना भी रहे हैं तो आपको काफी कसा कसा लग रहा है, तो आप गॉर्डेट स्कर्ट बना सकते हैं। हमने बेसिकली फ्रंट और बैक में, इसमें भी हमने सेम ही चीज किया। जैसे आपने उस स्कर्ट के लिए इनर सीम उधेड़ दी थी, इनर सीम्स दोनों टांगों की उधेड़ दी हमने और फ्रंट और बैक में गॉर्डेट इंसर्ट कर दिया, प्रिंटेड गॉर्डेट। तो इस तरीके से आप गॉर्डेट स्कर्ट बना सकते हैं। आप चाहें तो प्रिंटेड गॉर्डेट की जगह डेनिम का ही गॉर्डेट इंसर्ट कर सकते हैं। आपके पास जो बाकी पैंट्स बची हैं उनमें से आप उनकी लेग्स का जो पार्ट है उसे काट के उसका गॉर्डेट बनाकर यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज एक और एक्स्ट्रा एलिमेंट हो जाएगा अगर आप कोई प्रिंटेड या कोई प्लेन या जो भी फैब्रिक कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं आपकी डेनिम्स के साथ उसका गॉर्डेट इंसर्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है मल्टीपल गॉर्डेट स्कर्ट। यहाँ पे इस स्टाइल में हमने फ्रंट और बैक के सेंटर में गॉर्डेट्स इंसर्ट किए थे। सेंटर के साथ साथ आप साइड सीम्स में भी गॉर्डेट इंसर्ट कर सकते हैं, तो आपकी वो मल्टीपल गॉर्डेट स्कर्ट रेडी हो जाएगी। काफी फ्लेयर होगा उसमें, कंफर्टेबल फिट होगा आपका और लेंथ भी आपकी आप आसानी से जो भी आपकी डेनिम की लेंथ है उतनी लंबी भी रख सकते हैं, उसे छोटी भी, वट एवर सूट्स यू, जो भी लेंथ आपको पसंद है। मल्टीपल गॉर्डेट स्कर्ट में फ्लेयर काफी ज्यादा अच्छा आ जाएगा आपका। अगेन ये जो गॉर्डेट स्कर्ट्स हैं ये आप अपने बच्चों के लिए भी बना सकते हैं, खुद के लिए भी बना सकते हैं। बच्चों की जो जीन्स छोटी हो चुकी है उनको आप ऐसे रीयूज कर सकते हैं। और अगर आपको आपकी जो डेनिम है उसकी जो वेस्ट है वो भी टाइट हो चुकी है, या आप उसी बेल्ट को नहीं यूज करना चाहते जो आपके डेनिम्स की बेल्ट है, आप उसे काट कर कपड़े की नई बेल्ट लगा सकते हैं। और क्योंकि आप साइड सीम पे गॉर्डेट इंसर्ट कर रहे हो, अगर आप कमर से ही गॉर्डेट इंसर्ट कर दोगे तो आपकी कमर भी बड़ी हो जाएगी। तो ये कुछ चीजें अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट आपको करना पड़ेगा। आपको कमर बड़ी करनी है तो कमर से ही गॉर्डेट्स को इंसर्ट कर दीजिए, नहीं तो आप कमर से थोड़ा नीचे से इंसर्ट कर लीजिए, आपको वो पूरी मेहनत बच जाएगी जो नई बेल्ट बनाने में आपकी दोबारा से लगेगी। तो ये आप देख लीजिए आपको जो भी कंफर्टेबल चीज हो। नेक्स्ट है पैनल स्कर्ट बनाना, यानी कि कली वाली स्कर्ट बनाना। वो बनाना बहुत ईजी होता है। आपकी जो जीन्स है उनकी आपने जो लेग्स है वो अलग काट लीजिए, आप हिप पोर्शन के नीचे से आप उसे कट कर लीजिए। उसके बाद आपके पास इस तरीके से लेग्स निकल आएंगी। ये अभी फ्रंट और बैक अटैच हो रखा है, इसे भी बीच में से आप उधेड़ दीजिए। तो एक जो लेग है, एक साइड की एक टांग है, अगर लेफ्ट लेग है उसमें से भी आपकी दो कलियां आ जाएगी, एक फ्रंट पैनल से एक बैक से, सेम दूसरी टांग में से आ जाएगी आपकी। तो
तो चार कलियां आपकी एक जीन्स में से निकल सकती हैं। अब आपके पास तीन जीन्स हैं, चार जीन्स, आप उन सबको यूज कर सकते हैं कली वाली स्कर्ट बनाने में। कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी किस टाइप की जीन्स है। ये हमारी डिस्टॉर्टेड जीन्स है, ये हमारी डार्क ब्लू कलर में जीन्स है, तो इसका पैनल हम इंसर्ट कर देंगे साथ में। जितना वेरिएशन होगा जीन्स की टाइप्स में उतना ही ज्यादा वो अच्छा लगेगा। तो इस चीज की फिक्र मत कीजिए कि सारी जीन्स का कलर एक जैसा हो या टाइप एक जैसा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ उनकी लेग्स को एज ए पैनल यूज करना है। जितने भी आप पैनल्स इंसर्ट करेंगे, जितने ज्यादा इंसर्ट करेंगे उतना ज्यादा फ्लेयर आएगा। शॉर्ट स्कर्ट बनाने के लिए आपने आधी जीन्स को तो यूज कर लिया, तो बचे हुए पार्ट का आप क्या कर सकते हैं, जो नीचे लेग पोर्शन आपका बच जाता है उसका आप क्या कर सकते हैं, उससे आप एक योक क्रिएट कर सकते हैं अपनी मैक्सी ड्रेस के लिए, अपनी कोई भी फ्लोई वन पीस ड्रेस के लिए आप एक बहुत अच्छा योक रेडी कर सकते हैं। योक रेडी करने का प्रोसीजर ये है कि आपकी जो वो लेग्स हैं उस पे आप योक की लेंथ मार्क कर लीजिए, 15 इंच, 14 इंच, जो भी आपको सूटेबल योक लगता है। उसकी लेंथ मार्क करने के बाद आप उसे काट दीजिए। जो बचा हुआ फैब्रिक है, बचा हुआ लेग का जो फैब्रिक है, उसे आप योक की विड्थ बढ़ाने में यूज कर सकते हैं, चौड़ाई बढ़ाने में यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो कम होगा अगर आप सिर्फ लेंथ मार्क करके उसे काट देंगे ना, तो चौड़ाई में काफी कम पड़ेगा आपका योग। तो उसकी चौड़ाई बढ़ाने के लिए, ताकि आपके प्रॉपर फिट का वो बन जाए, जो बचा हुआ पीस है उसे आप विड्थ में ऐड कर देंगे। पीस ऐड करने के बाद आपका जो योक है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, जैसे मेरे पास है। ये हमने साइड पे वो पीसेज ऐड कर दिए हैं दोनों साइड्स पे, देखिए इस तरीके से आपका जो योक है वो ब्रॉड हो गया है काफी। अब मैक्सिमम बॉडी साइजेस को ये आ ही जाएगा। अब आप इसमें सिंपली नेक शेप काटिए, बैक जोड़िए, स्लीव जोड़ना चाहते हैं जोड़िए, और नीचे फ्लेयर जोड़ दीजिए जैसे कि हमने इस इमेज में किया है। तो एक बहुत अच्छी आपकी जो ड्रेस है, मैक्सी ड्रेस है, समर मैक्सी ड्रेस एक्चुअली वो रेडी हो सकती है। नेक्स्ट जो है वो इसी स्टाइल का वेरिएशन है। इसी योग के नीचे आप कोई और फैब्रिक जोड़ने की बजाय अपनी बाकी डेनिम्स की जो लेग्स हैं उनकी कलियां बना के जोड़ सकते हैं। जैसे हमने कली वाली स्कर्ट बनाई है वैसे सेम आप फ्लेयर जोड़ सकते हैं इसके नीचे, आपका एक बहुत अच्छा टॉप रेडी हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये सब मिक्स एंड मैच की बात है। बेसिकली आपको सोचना है कि कितने स्टाइल्स को मर्ज करके आप क्या नया स्टाइल बना सकते हो। तो एक कली वाली स्कर्ट थी और एक योग था, इसे भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें एक बात ये होगी थोड़ा सा हैवी बनेगा आपका, क्योंकि डेनिम में थोड़ा वेट होता है। तो अगर आपको लाइट वेट चाहिए तो आप जॉर्जेट नीचे ऐड कर सकते हैं, शीयर फ्लेयर आपका ऐड हो जाएगा, थोड़ा ट्रांसपेरेंट फ्लेयर आपका ऐड हो जाएगा। आप कोई और फैब्रिक चाहते हैं, कॉटन चाहते हैं कि समर के लिए आपको चाहिए कॉटन ऐड कर सकते हैं। टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस टाइप का फ्लेयरी अपरवेयर पहनना चाहते हैं। नेक्स्ट है डेनिम का श्रग। श्रग्स काफी वर्सेटाइल होते हैं, आप इन्हें मैक्सी ड्रेसेस के ऊपर भी पहन सकते हो या जीन्स के ऊपर पहन सकते हो, टॉप्स के साथ, आपकी कुर्तीज के साथ आप इन्हें पहन सकते हो। तो काफी वर्सेटाइल होता है, अगर आप एक बना लेंगे तो काफी स्मार्ट आइडिया होगा ये आपके डेनिम्स को रीयूज करने का, क्योंकि काफी लंबा टाइम चल जाता है एक श्रग, काफी चीजों के साथ मिक्स एंड मैच हो जाता है। तो अब ये श्रग बनेगा कैसे? जीन्स की दोनों लेग्स के पैनल्स अलग अलग कर लीजिए, आप पूरी जीन्स खोल दीजिए, आपके चार पैनल्स निकलेंगे, दो फ्रंट लेग के पैनल निकलेंगे, दो बैक लेग के पैनल्स निकलेंगे। तो जो बैक लेग के पैनल्स हैं वो आप फ्रंट श्रग के फ्रंट की तरह यूज करेंगे, क्योंकि वो थोड़े चौड़े होते हैं, बैक की जो टांग के पैनल्स होते हैं थोड़े चौड़े काटे जाते हैं वो, तो उसे आप अपनी श्रग की फ्रंट बना लीजिए। श्रग की बैक बनाने के लिए आप जो आपकी जीन्स के फ्रंट पैनल निकले थे, दोनों टांगों के जो फ्रंट के पैनल निकले थे, आप उसे अपने श्रग का बैक बनाइए और उन दोनों के बीच में गॉर्डेट इंसर्ट कर दीजिए, ताकि आपको प्रॉपर फिट आए वो। तो गॉर्डेट अगेन आपकी मर्जी है, आप किसी और जीन्स में से काट के गॉर्डेट बना सकते हो, या फिर कोई भी प्रिंटेड या एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक या लेस फैब्रिक इनफैक्ट इंसर्ट कर सकते हो, वट एवर यू लाइक। तो इस तरीके से आपका एक बहुत अच्छा श्रग रेडी हो जाएगा। इस तरीके से बना हुआ श्रग आपको अभी भी टाइट है, आपके साइज के अकॉर्डिंग छोटा है, तो डोंट वरी, आप उसकी साइड सीम्स में भी गॉर्डेट इंसर्ट कर दीजिए, जैसे आपने बैक में किया है साइड सीम्स में भी कर दीजिए। काफी खुला और काफी फ्लेयरी श्रग रेडी हो जाएगा आपका। अभी भी आप में से बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि आपका स्टाइल एक्चुअली हमने कवर नहीं किया है, कि जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं वैसा कोई आउटफिट नहीं बन रहा है। तो डोंट वरी, आपके पास एक बहुत अच्छी चॉइस है। आपके पास जितनी भी जीन्स पड़ी है ना, उन सबको आप या तो हॉरिजॉन्टली स्ट्राइप्स में काटिए, वर्टिकल स्ट्राइप्स में काटिए, या आप उनके स्क्वायर्स काट लीजिए, जो भी आपको शेप पसंद है उसमें आप उनको काट के उन सबको आपस में स्टिच करके एक बड़ा सा फैब्रिक रेडी कर सकते हैं आप। अब आपके पास फैब्रिक तो रेडी है ही इस तरीके से,
तो इस फैब्रिक से आप अपनी पसंद की कोई भी चीज रेडी कर सकते हैं। कुर्ती हो, ट्यूनिक हो, स्कर्ट्स हो या पोंचो हो, जो भी आपको पसंद है आप इसमें से क्रिएट कर सकते हैं। ये जो फैब्रिक आपने क्रिएट किया है, अगर आप इनसे ड्रेसेस नहीं बनाना चाहते तो आप होम डेकोर का सामान बना सकते हो। आपके कुशन कवर्स आप बना सकते हो, टेबल रनर्स बना सकते हो, रग्स बना सकते हो। सब आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। आपके पास एक पूरा फैब्रिक पड़ा है, होम डेकोर करो, ड्रेसेस बनाओ, कुछ भी बनाओ, आपकी चॉइस है। नेक्स्ट है जीन्स की पॉकेट्स। ये पूरी रीडिजाइनिंग के टाइम पे हमने लेग्स वाला जो पार्ट है उसे तो यूज कर लिया, तो आपका ये पार्ट रह जाता है जिसमें पॉकेट्स होती हैं आपकी। तो ये जो पैच पॉकेट्स हैं इनको आप रीयूज कर सकते हैं। पैच यानी कि ये वाली ऐसी टाइप की जो पॉकेट्स होती हैं, ये पैच पॉकेट्स होती हैं, इनको आप यूज कर सकते हैं एज अ पैच एज इट इज। आप इनको यहाँ से निकाल के अपने किसी पुराने कुर्ता पर प्लेस कर सकते हैं एज अ पैच ओनली, तो वो आपका जो पुराना कुर्ता है दोबारा से रीडिजाइन हो जाएगा, एक नया एलिमेंट ऐड हो जाएगा उसमें। या फिर आपके पास एक और ऑप्शन है, आप इनसे क्रिएट कर सकते हैं बहुत सुंदर ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर मतलब जितनी भी आपके पास ये सारी पॉकेट्स पड़ी है ना, इन सभी पॉकेट्स को आप किसी बोर्ड पर या किसी फैब्रिक के ऊपर प्लेस कर लीजिए और फिर इनके बीच में आप प्लेस कर सकते हैं अपनी किसी भी चीज को। आपके किचन का सामान हो, किचन में आप इसको लगा सकते हैं इस बोर्ड को, या फिर आप इसे यूज कर सकते हैं अपने स्विंग रूम में, अपनी स्विंग का जो भी सामान है आपका, या फिर आपके जो भी रिपर्स हैं जिसमें आप सीम रिप करते हैं, ऐसा कुछ भी छोटा छोटा आपका सामान है वो आप इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग चीज हो जाएगी, आपकी यूज भी हो जाएंगी ये पॉकेट्स और आपका जो रूम का डिस्प्ले है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये थे कुछ आइडियाज डेनिम रीयूज के। अब आप सोचिए कि आप क्या नई चीजें क्रिएट कर सकते हैं डेनिम को रीयूज करके, आप कौन सी नई नई चीजें बना सकते हैं। अगर आपने अभी तक ऐसी कोई चीजें बनाई है या आपके पास ऐसा कोई आइडिया तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, बाकी व्यूअर्स को काफी हेल्प होगी इससे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।